नमस्कार शुभ सकाल सहित मॉर्निंग बज को स्वागत कर वर्षा को घर तड़ापी चली षड्र फेसबुक रे पोस्ट परे खोलिला सांसद अनुभव महांती असल चेहरा कटक नंदीसाही घरे एका रुचार वर्षा कोविड कटक नहीं मुख्य शासन सचिवों बड़ घोषणा वेस्ट बेंगलु फेरिले 14 दिन बाध्यतामूलक क्वारंटीन पश्चिमबंग को लगी सब रास्त कड़ा चेकिंग दुईट डोज वैक्सीन नहीं घर को जवाक अनुमति आज कोरोना नहीं प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय रिव्यू मीटिंग देश में कोविड स्थित समीक्षा करेंगे मोदी पश्चिमबंगे निर्वाचन रैली को कले बातिल कोरोना कोपठू बळीगला प्रवासी टेंशन हॉटस्पॉट राज्य गाँ मुहां हजार हजार प्रवासी काम देवा राज्य सरकारों पर बड़ चैलेंज दिल्ली में गंभीर कोरोना स्थिति हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन रो घोर अभाव सरीगले आ बचे रोगी कैमरा सामने भावप्रवण हेले डाक्तर राजकीय ठाणी रे जेल रे अयस करूला हाइदर संबलपुर जेल रो बाहरी कैदी विस्फोरक बयान गैंगस्टर पर आसुला मटन चिकेन तीन वर्ष रहणी में जेल रु बाहरी 24 थर शेषर डेस्टिनी झरीगला झराफुल बाकी टंका माखिबारु गला जीवन खुलासा कले जाजपुर एसपी नाकपाटी बंद करी मर्डर परिवार लोके कहिले दोषी को फांसी दियो एथर संपूर्ण खबर वर्षा को घर तोड़ापी चली षड्र पुणी सामना को आसला सांसद अनुभव महांती षड्र फेसबुक रे पोस्ट पर खोलिला असल चेहरा कटक नंदीसाही घरे एका रुचार वर्षा ए घरे रुना अनुभव और तांको परिवार ए घरे रहुनांती अनुभव और तांका परिवार बीजेडी सांसद अनुभव महांती एवं वर्षा को विवाद मामला प्रतिदिन घने बारे लगी वर्षा को घर तड़ापी अनुभव किपर षड्र करे अनुभव फेसबुक रे फोटो पोस्ट करी मानी जाइछंती अनुभव निजर घर फोटो सेयार करी सुदशा व्रतर शुभेच्छा जणाइछंती किंतु पूरा घरे पड़ी ताला आउ कहिछंती दीर्घ मास हला जण को छाड़ी से एवं तंका परिवार लोके एठारे रहुनांती अर्थात एही घरे वर्षा दीर्घ मास हला एका रहुछंती वर्षा एवं अनुभव को विवाह विच्छेद मामला कोर्ट रे अछि सासु घरे रही वर्षा केस लड़ी परिबे बोली कोर्ट को ऑर्डर रहिछि किंतु वर्षा को घर तोड़ीबा पई अनुभव सुचिंतित षड्र करुथिबा बारंबार अभियोग होइछि बारंबार वर्षा को मानसिक निर्यातना दिया जाउथिबा अभियोग मध्य होइछि एने चारि थर पुरी घाट थाना रो द्वारस्थ हो एफआर मध्य देछंती वर्षा किभली भावे तांको तोड़ीबा पई षड्र करा जाउछि सेने अभियोग आनीथिले पानी विद्युत परी मौलिक सुविधारु वंचित करा जाउथिबा अभियोग आनीथिले 6 मास हला तांको घर लोके खाइबा पठाउछंती वर्षा कहिथिले खाली सेतिकि नहे सांसद अनुभव महांती दिल्ली रे अन्य जणे महिलांको सहित रहुथिबार सांघातिक अभियोग भी आनीथिले वर्षा एने पिटिशन भी दायर करिथिले ये हेउछि सही पिटिशन कॉपी वर्षा का अभियोग आधार रे सांसद अनुभव महांती विरोध रे घर हिंसा और निर्यातना मामला मध्य रुजु होइछि पुरीघाट थाना रे अनुभव वो तांकर दुई सहयोगी विरोध रे धारा 498 341 और 506 अनुसार मामला रुजु होइछि तबे एपर्यंत अनुभव विरोध रे काहीकि एक्शन होइनाहि काहीकि दुई सहयोगी विरोध रे पुलिस नेउनाहि कार्यानुष्ठान शासक दलर सांसद बोली आईन ठार उपरी केबे पुलिस नेबो एक्शन केबे तदंत परिसर को आसिबे अभिनेता अनुभव ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज पश्चिमबंगे कोरोनार ट्रिपल म्यूटांट चिन्हट होगापर ओडिशा सरकार नुआ कटकणा जारी करिछंति पश्चिमबंगर आसुथिबा समस्ते बाध्यतामूलक भाव 14 दिनिया क्वारंटीन रहिबे सेहिपरि पश्चिमबंग सीमा को लागिथिबा समस्त रास्तारे कड़ाकड़ी चेकिंग हेबो एने घोषणा करिछंति मुख्य शासन सचिव सेहिपरि पश्चिमबंगरु फेरुथिबा व्यक्ति चाहिले
पेड क्वारंटीन रे रही पारे विमान रे आसिले भी क्वारंटीन रे रहिबे तबे होम क्वारंटीन रे जाई पारे नि कोनोसी व्यक्ति दुईटे डोज वैक्सीन नैथिले घर को जाई पारे पश्चिम बंग रे भयंकर होची कोरोना वायरस सेठार अधिक भयंकर ट्रिपल म्युटेंट वेरिएंट राज्य को ट्रिपल म्युटेंट वेरिएंट रो रोकिबा पई एही निष्पत्ति निया जाईथिबा मुख्य शासन सचिव कहिसेंते गत किछ दिन धरि कोविड पॉजिटिव संख्या आम राज्य रे बहुत द्रुतगति रे बढ़ी चलछे आपण जानते एवं मोस्टली छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे जो डिस्ट्रिक्ट सब अच्छे से डिस्ट्रिक्ट रे प्रथम बहुत अधिक केस होता बर्तमान मत बढ़ुची किंतु वर्तमान जो मेजर थ्रेट अच्छे आम जहाँ देखुचु वेस्ट बेंगल रे जो जनरल इलेक्शन चलचे वेस्ट बेंगल रे बहुत अधिका संख्या रे वर्तमान कोविड पॉजिटिव केस डिटेक्शन होउची मोर देन 10,000 केसेस तंकर प्रतिदिन होउची एवं सबुठ इम्पोर्टेंट है गोटे नुआ स्ट्रेन जोटा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कहते कोविड रो जोटा कि बहुत भयंकर वायरस जोटा वेस्ट बेंगल डिटेक्ट होती राज्य सरकार आज निष्पत्ति नहीं वेस्ट बेंगल रो जेकोसी लोक ओडिशा को आसवे से मानक 14 दिन क्वारंटाइन रखा बालेश्वर एवं मयूरभंज जिलापाल एसपी मान को इंस्ट्रक्शन दिखाई वेस्ट बेंगल जत्ते बॉर्डर रास्ता सब अच्छी सब रास्त से चेकपोस्ट करेंगे एवं कम्प्लीटली 100% चेकिंग करा जिवो जो मैंने पश्चिम बंग रु आसं चेकिंग करा जिवो एवं जो मान पाखे 48 आवर्स भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बा दुटा डोज वैक्सीन नहीं थार रिपोर्ट न समस्त को आम आम जो क्लस्टर टीएमसी जो अच्छी क्लस्टर टीएमसी रे 14 दिन रखा जिवो सरकार तरफ बॉर्डर एरिया रे कलेक्टर माने अकोमोडेशन अरेंज कर 14 दिन पर्यटन रखा जिवो एवं से मानको खाइबा को दिया जिवो एवं जो माने चाहिबे से माने पेड क्वारंटाइन रे मध्ये से माने रह पारिबे जे से माने चाहिबे से मानको पई लॉजिंग हाउस एवं होटल आम नियरेस्ट टाउन मानक अरेंज एवं सेठी से माने पेमेंट करके से माने रही पारे किंतु 14 दिन रखा जिवो ता छड़ा वेस्ट बेंगल रो जो फ्लाइट सब आसे भुवनेश्वर को एवं झारसुगुड़ा को से फ्लाइट रे मध्ये जो माने आसीबे समस्त को 14 दिन क्वारंटाइन रे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन बा गवर्नमेंट रो क्वारंटाइन सेंटर बा पेमेंट बेसिस रे जो क्वारंटाइन सेंटर सब कराई छि होटल्स बा लॉजिंग रे सेठी मध्ये से माने को रखा जिवो से माने होम क्वारंटाइन को जाई परिबेनि बा घर को से माने जाई परिबेनि केवल जो मानकर नेगेटिव रिपोर्ट थिबो 48 आवर्स पूर्वरु बा दुटा डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट थिबो से मानकर से माने केवल घर को जाई परिबे एवं घरे जाई के क्वारंटाइन रे रहबे तेन एटा गोटे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट निष्पत्ति निहाय छै हमर राज्य रो जनसाधारण कर स्वास्थ्य रो सुरक्षा पई एवं ए जो भयंकर जो म्यूटेंट गोटे डेवलप होती ट्रिपल म्यूटेंट ताकू वेस्ट बेंगल जमी आम ओडिशा रे लार्ज स्केल स्प्रेड न हुए ताकू आखि आगे रखिके आज राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं जिलापाल एवं एसपी को यह विषय जन दिखाई आसंता काल ठारु एंटायर वेस्ट बेंगल बॉर्डर सबू रास्ता आमर नेशनल हाईवे हो स्टेट हाईवे हो एवं छोट छोट जो पंचायत लेवल जो रास्ता सब अच्छे सब रास्ता को कम्प्लीटली चेकपोस्ट करके 100% चेक करा जिवो तेणु मु रिक्वेस्ट करिवे जनसाधारण एतरे समस्त सहयोग करिवे जिलापाल और एसपी मान को इंस्ट्रक्शन दिहाय छि से माने वेस्ट बंगाल बॉर्डर रे लार्ज स्केल रे माइक अनाउंसमेंट करिवे एवं ओडिसा रो जे कोनोसी जागा को जदि वेस्ट बंगाल रो कोनोसी लोक आछन से मान को आइडेंटिफाई करा जिवो विलेज लेवल रे पंचायत लेवल एवं से मान को मध्ये क्वारंटाइन रखा जिवो तेणु आसंता कालीठारु यह लागू हबो एवं केवल पश्चिमबंग जो मैंने आसुछन्ते से समस्त को 14 डेज क्वारंटाइन मैंडेटरी कराइछ।
देशरे कोरोना स्थिति ने आज प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग एथिपाय बातिल हला मोदी बेंगलुरु हेबाकु थिबा प्रचार राली एपटे देशरे ऑक्सीजन सप्लाई ने स्थिति समीक्षा करिसेंती प्रधानमंत्री महामारी समय रे अम्लजान रो जोगान ने प्रधानमंत्री गुरुवार एक उच्चस्तरीय बैठक करिसेंती अम्लजान जोगान रो उपलब्धता वृद्धि पाई उपाय ने बैठक रे आलोचना करा जायतिला गत किछि सप्ताह मध्य रे अम्लजान जोगान रे उन्नति आनिबा पाई करा जायतिबा प्रयास विषय रे प्रधानमंत्री को सूचना देथिले वरिष्ठ अधिकारी एही समय मध्य रे अम्लजान उत्पादन वृद्धि अम्लजान जोगान गति को त्वरान्वित करने प्रधानमंत्री गुरुत्व अम्लजान चाहिदा और जोगाण अनुजाई राज्य सह समन्वय स्थापन राज्यगुड़ी अम्लजान जोगाण क्रमगत भाव वृद्धि पाई 20 राज्य 6785 मैट्रिक टन तरल मेडिकल अम्लजान चाहिदा रही सरकार राज्यगुड़ी एप्रिल 21 6822 मैट्रिक टन अम्लजान आवंटन कर बैठक में सूचना दी जा बे संपर्कित अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी होती आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल गगन वर्तमान सबुठू बड़ समस्या है कि एक छिड़ा होती अम्लजान जो सर्टेज पड़ुछे ताकु नेकरी प्रधानमंत्री मध्य जो मीटिंग करथिले कौन अधिक सूचना रहिबो जे वास्तविक भाव में अम्लजान जहाँ सब सर्टेज रोची से सबको से अभाव गुड़ी किभली पूरण कर देखो निश्चित भाव चिन्मय गत काली प्रधानमंत्री लगातार भाव बैठक करते सीधा साल गोटे मेसेज देते बैठक पर कौनसी राज्य को जो आम बैरिकेड तैयारी अनेक राज्य बर्तमान डिमांड कर डिमांड को लक्ष्य करके सीधा साल ऑक्सीजन प्रोडक्ट कंपनी गुड़िक रही जो अधिकारी गुड़िक रही अधिकारी स्तर जो आलोचना होता सीधा साल प्रोडक्ट कैपासीटी को आहरी अधिक करने प्रधानमंत्री गत काली मेसेज देते आलोचना करते तेणु आज जी देखिए लगातार भाव माराथन जो बैठक रही तीन टी बैठक मध्य ऑक्सीजन संबंधी समीक्षा बैठक साढ़े बारटा रही आउ किस समय पर जी कह सका नौटा जो कोविड रर्तमान जी कह इंटरनल जो रिव्यू बर्तमान प्रधानमंत्री करेंगे जो अत्यन समस्या बर्तमान किभली भाव केन्द्र सरकार प्रस्तुत रही आम पाखे कौन स्टक रही आगामी दिन में जदि आहरी स्थिति बिगड़े से आम कि भाव मुकबिला करवा कहीं अनेक राज्य कहतु अनेक पॉलिटिकल लीडर जो अपोजिशन रही जातीय बड़ विपर्जय घोषणा करने गोटे प्रकार प्रेसर सृष्टि कले सरकार नहीं कि लगातार बैठक रही तेणु आज खास कर जो माराथन बैठक रही प्रथम बैठक सकाल नौटे इंटरनल समीक्षा हम दसटे जो अफेक्टेड जो रही राज्य गुड़िक रही मध्यप्रदेश कहतु राजस्थान कहतु छत्तीसगढ़ कहतु महाराष्ट्र जो राज्य गुड़िक खास कर दिल्ली बर्तमान सरकार टेनसन कारण है प्रथम लहर में उत्तर प्रदेश में एत केसेस नाला प्रधानमंत्री अनेक बैठक में योगी आदित्यनाथ को प्रशंसा करते तेणु बर्तमान यूपी में स्थित संगीन है पांचटी जिला खास कर लखनऊ कानपुर वाराणसी जोटा कि प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र रही तेणु ये सब जो जिला गुड़िक रही उत्तर प्रदेश स्थित संगीन है दिल्ली अनेक जगह जो अनेक गुड़े हॉस्पिटल रही खास कर हॉस्पिटल ऑक्सीजन अभाव था गत काली जोगे दी आज निर्भरजोग्य प्रतिश्रुति दी तेणु आज जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहित आलोचना रही दसटा खास कर जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट गुड़िक रही निश्चित भाव पुणी थे से ऑक्सीजन कथा को दोहराइबे ऑक्सीजन कथा डिमांड करेंगे से गत काली प्रधानमंत्री रिव्यू करते आज साढ़े बारटा जो रिव्यू रही प्रधानमंत्री निश्चित भाव से कथा को उल्लेख करेंगे और गत काली गोटे बड़ कथा प्रधानमंत्री कहते हैं गोष्ठी सचेतनता आहरी वृद्धि करने आवश्यक लॉकडाउन लास्ट मोमेंट रे करिया राज्य मानू कहते कौन राज्य में लॉकडाउन होती संपूर्ण रूपे जी कह इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्टेड करुच्ची तेना ये दृष्टि जो तीनो माराथन बैठक रही बैठक पर किसी प्रधानमंत्री मेसेज दौरान आउ कौन कौन गुरुतर स्टेप नौते कहीं बर्तमान केन्द्र सरकार मापिचुति स्टेप नौ कहीं गोटे पर गोटे राज्य जो भाव लॉकडाउन जारी कर दिल्ली में छह दिन लॉकडाउन होता कि दिल्लीर स्थिति बर्तमान कमिबा ना नौ ना जो दिन लॉकडाउन है से दिन 25,000 केस था कि परवर्त पर्यायर देखाला केसेस 28,000 को वृद्धि पाइलानी तेणु दिल्ली में लॉकडाउन वृद्धि होवार जथेष संभावना रही जी महाराष्ट्र कथा कहे महाराष्ट्र स्थिति सामान रही तेणु आज प्रधानमंत्री निजर बेंगल गस्त था बेंगल गस्त को बातिल करते दिन तमाम लगातार बैठक करेंगे बैठक पर कौन निर्देश आसूची चिन्मयी कौन मेसेज बड़ मेसेज दौरान प्रधानमंत्री कहीं तीनो बैठक रही प्रथम बैठक इंटरनाल समीक्षा हम मुख्यमंत्री स्तर आलोचना हम पुणी ऑक्सीजन सप्लाई चेन को लेकिन आलोचना हम कहीं देखिए दु दिन तीन दिन पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मान सहित आलोचना कले विभिन्न फार्मासिस्ट कंपनी मान सहित आलोचना कले तार मूल उद्देश्य था
ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଉଛି, ଭିଟାମିନ ସି କୁହନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ ଡି କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ରହିଛି, ତାର କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କାପାସିଟିକୁ ଆହୁରି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବେ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେସେସ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେସେସ ରଖିଲାଣି, ଯଦି କହିବେ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 30,000 କେସ୍ ଯାଇକି 3 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଆହୁରି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଣକୁ ଅତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କରୋନାର କୋପକୁ ବଳିଗଲାଣି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଟେନସନ। ପ୍ରଥମ ଲହର ପରି ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବି ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁଅ। ଦିଲ୍ଲୀ, ସୁରଟ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗତଥର ପରି ଏଥର ବି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜୀବିକାକୁ ପର କରି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଏ ଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର, କିଏ ସୁରତରୁ ତ କିଏ ମୁମ୍ବାଇରୁ, ପୁଣି କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପରିବାରକୁ ଧରି ଘର ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରିଲେଣି 20,000 ପ୍ରବାସୀ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଏହି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ଏଥର ବି ଠକି ଦେବେନି ତ ସରକାର? ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବଡ଼ ଆଗୁଆଳର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁରତରେ ସୂତା କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସରକାର କହିଥିଲେ କାମ ଦେବେ, ହେଲେ କଥା ରଖିଲେନି। ଧରାକଟ ବଡ଼ ଦାମୋଦର ପଲ୍ଲୀର ରୋହିତ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗାଁରେ କାମ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ସୁରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ରୋହିତ। ଏମାନଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ, କିଏ ସୁରତ ତ କିଏ ମୁମ୍ବାଇ ତ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନାର କୋପ ଭିତରେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କାମ ହରାଇ ପୁଣି ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥର କାମ ମିଳିବ ତ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଛି କାମ କରିକିରି ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବି ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ରହିଲି। 3-4 ମାସ କାମ କରିନି, ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ଗାଁରେ କିଛି ବି ନୁହଁ, କି ଜମିବାଡ଼ି ବି କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି କିଛିଟା ଯଦି ଆମକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଛିଟା କାମ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଗୁଜୁରାଟରେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଥିଲି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନାରେ ମୁଁ ଆସିଲି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲି। ପଇସା ପଇସା କିଛି 2,000 ଯେଉଁ ସରକାର କହିଥିଲେ ବହନ କରିବାକୁ, 2,000 ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲି ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଣ୍ଡି ବହିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ସରକାର କିଛି କାମ ଦେଲେ ଆମେ ପରିବାର ଚଳିବୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ପେଟ ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ସିନା ହିସାବ ରହୁଛି, ହେଲେ ସୀମା ଦେଇ ସଡ଼କରେ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସୀମାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ସୀମା ଏବେ ବି ମୁକୁଳା। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା କନକ ତୋରାରେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଜଗୁଛି, ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାର ଝାରଗାଁ, ଏଠି କାହାର ପହରା ନାହିଁ। ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 16 ଗାଁରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଆପଣ କେଙ୍କେ ଯାଉଛ? ବେଲପାହାଡ଼। ବେଲପାହାଡ଼ କେଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ? ଏଟା ଇ ଫଟାନିକେ, ଇ ଭଟାଟିକେର ଏଟା ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଭାଇର ଥିଲା ତ ବୋଲେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ 10 ତାରିଖର ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ଟିଚର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର 3 ଜଣଙ୍କଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଲେଖୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 90% ପ୍ରବାସୀ କାମ ନ ପାଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବ ନାହକଙ୍କ ସହ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଓ ଆସିକାରୁ କିରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଳକା ରହିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସରିଗଲେ ବଞ୍ଚିବେନି ରୋଗୀ, ଏକଥା କହିବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଡାକ୍ତର। ଏମିତିକି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଳକା ରହିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସରିଗଲେ ବଞ୍ଚିବେନି ରୋଗୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଡାକ୍ତର। ଏମିତି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେ ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ମହଜୁଦ ଥିବା କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ଏବେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। To discharge the patient, whichever can be discharged. Whatever cylinders are there, we are trying to put them on the ICU beds, all those things, because ultimately they are forced carried in and there could be accidents also. So, sir, by when you think that your oxygen stock will last? We were expecting, because now what we have done is, whatever volume of oxygen we are giving, we have tried to little tweak it so that it can last more. Hardly, if at all something is there, it may be 2 hours or something. Sir, how many patients you have? 110 patients on oxygen. How many people are on ventilators and ICU? There are about 12 patients which are on ventilator and BiPAP. There are 85 patients which are more than 5 liters per minute oxygen supplies. There are other people, they are also there. There are cancer patients, there are cardiac patients. And ultimately, it will be very, 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 very deplorable condition, very, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? The patient comes to, the patient will die. ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଓ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ ସାଗର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ, ଆମ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାକି ରହିଛି, ସେତିକିରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା କାମ ଚଳେଇ ହେବ। ଯଦି ସେତିକି ସରିଯାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବେନି ରୋଗୀ, ଏତିକି କହି ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତଥାପି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦିଲ୍ଲୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।